हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज दिवाली के इस परम उत्सव पर आज हम फिर से जा रहे हैं पैदल ट्रैक करके इंद्रनाग। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं अभी, ये है मैक्लोडगंज। और भाई नाइट व्यू भी इसका मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया हुआ है। तो आज हमने सफ़र कर लिया अराउंड अराउंड कोई 12 बज गए थे। तो 12 बजे हमने सोचा कि यार चलो क्यों ना ट्रैक कर लिया जाए। रूम में बैठ के करना क्या था, तो दिवाली पे आज तो गाड़ी भी नहीं थी। कपिल भाई हमारे स्कूटी घर छोड़ आए हैं और कुछ था नहीं इधर बचा हुआ, सोचा चलो ट्रैक ही कर लेते हैं। भाई फूल देख रहे हो एकदम इन हरी भरी वादियों में, एकदम प्यारे प्यारे फूल यार। जो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना अभी, पसीना देख रहे हो आप, पसीना आ गया। बट हवा के साथ ना ये पसीना थोड़ा थोड़ा सूख तो, और एकदम ऐसे लगता है जैसे कोई बोले कूलर चला दिया या एसी चला दिया है। बट यार क्या बताओ, अमेजिंग एक्सपीरियंस। धर्मशाला जब से आए हो अलग अलग ट्रैक्स मारे, मतलब मज़ा बड़ा लगा था यार। एज़ कम्पेयर टू गाड़ी में जाने के, आप ट्रैकिंग करो ना अगर, मैं तो यार प्रेफर करता हूँ ऑलवेज ट्रैकिंग, सच बताऊँ तो। अभी देखो हमारे डॉक्टर कपिल कहाँ पहुँच गए हैं। डॉक्टर कपिल हमारे भाई भाग रहे हैं ऐसे जैसे भाई बस कोई बचा ही नहीं है। डॉक्टर साहब रुक जाओ भाई, हमें भी पैराग्लाइडर दिखाता हूँ भाई सामने, यहाँ से पैराग्लाइडिंग की जाती है। भाई पिछली बार जहाँ पे मैंने फोटो खींचा था एकदम, मतलब हम स्कूटी में उतर के यहाँ से निकले थे हम पैदल, बट आज यहाँ खुद से पैदल चल रहे हैं। एंड देन उस टाइम तो यहाँ पे रास्ता था जो थोड़ा थोड़ा फॉग थी, लेकिन आज तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर रास्ता है ना। अरे भाई ये जो सामने से एकदम पूरा जंगल वाला एरिया दिख रहे हो ना, ये जो पूरा इतना डेंस जंगल, इसके बीच से आए थे हम स्कूटी में। और वो खरोत्ता वाली पहाड़ी है सामने, पाइप दिख रही है ना। हाँ वो खरोत्ता वाली पहाड़ी, खरोत्ता है वो। चल वहाँ भी गए हुए हैं, उसका भी लोग भी अगर आपको देखना है तो भाई खरोत्ता का वो लोग चेक कर सकते हो आप। और जो हमारे क्रिकेट के वो आते हैं ना क्रिकेटर्स खेलने, क्रिकेटर्स हाँ वहाँ रुकते हैं सामने, ब्लैक लेग है ना बिल्डिंग। हाँ ये होटल है वो, हाँ इधर रुका था वो रेडिसन, इधर ही मिला था ना अभय को। कौन मिला था यार उसको उधर, जिसने हाइक किया था और बाद में आउट भी चला गया था, पनौती निकला भाई उसके लिए, नाम भूल गया यार उसका मैं। ओ भाई अब जो व्यू दिखता ना यार, यहाँ से फुल धर्मशाला पूरा एकदम नीचे नीचे तक दिखता है एकदम पूरा क्लियर। और धूप भी ऐसी है ना सीधी माथे को बढ़ रही, वही पसीना पसीना हो गए। अभी तो पहुँच गए हम टेंपल के पास, अभी दर्शन वगैरह करेंगे, देन उसके बाद थोड़ा सा इधर देखेंगे पैराग्लाइडिंग वगैरह अगर कोई करता है तो, थोड़ी बात करेंगे या कुछ जो भी है शूट वगैरह करेंगे। मिलते हैं आपको मंदिर के अंदर डायरेक्ट। मंदिर गए, मंदिर में माथा वगैरह टेका है, देन पूजा वगैरह की, और वहाँ से अभी हम आ गए। एक्चुअली हमने देखा यहाँ पे ग्लाइडर्स को उड़ते हुए, सोचा थोड़ा सा उनको शूट कर लेते हैं। बाकी यार यहाँ से जो व्यू आता है ना आपको मैं दिखाता हूँ, जस्ट देखना आप नीचे, जस्ट सी यार पूरा धर्मशाला मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है। और जो हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ओ हो मौसम, वो जस्ट यहाँ पीछे इंद्रनाग जी के दर्शन किए हमने। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई उसके लिए, उसकी स्टोरी क्या है वो भी बताया हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आगे दिखाते हैं आपको, आगे से एक और मस्त व्यू पॉइंट आता है यार। भाई ये देखो यार कहाँ है पैराग्लाइडर, दिख ही नहीं रही इसमें तो। यही था यार भाई, देखो यार सच बताऊँ तो लाइफ में और कुछ नहीं है जितना मैंने अभी तक यहाँ पे देखो धर्मशाला में फील किया। ये जो आपको मैं पैराग्लाइडिंग का भी दिखा रहा था ना, जस्ट अराउंड अराउंड 15 डेज़ की बात है, हमारी इमरजेंसी में ड्यूटी थी तो एक केस आ गया था
एक ब्रो डेड बंदा आ गया था, और वो बंदा रशिया से था, अराउंड 65 ईयर्स का बंदा था। तो बंदा यहीं से, उसने शायद से पैराग्लाइडिंग की थी, एंड देन वो जो त्रिउंड की पहाड़ियाँ हैं, त्रिउंड की पहाड़ियों में उस साइड जाके वो गिर गया था। पहाड़ियों के बीच में कहीं थोड़ा सा तूफान आ गया, तो उस वजह से उसका पैराग्लाइडर वो घूम गया था, एंड देन बंदा दूर कहीं ऐसी पहाड़ियों में जाके गिर गया था। उसका मुंह पूरा यहाँ से बिल्कुल था ही नहीं, मुंह जब उसका पीएम किया तो बिल्कुल मुंह उसको था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। देन फैमिली वाले उसके आए थे, देन उसको ले गए। बट देखने में ये लगता दूर से काफ़ी इंजॉयबल है, एक अच्छा स्पोर्ट है, बट यार इसमें ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है। लाइक उस बंदे की वैसे हालत देख के, तो मेरा शौक़ था पैराग्लाइडिंग करने का, बट देख के तो ऐसा लगता कि यार क्या ही है ये। क्या बोलते डॉक्टर साहब, आप तो थे उस टाइम, मतलब सर के साथ तो आप भी गए थे पीएम में, तो क्या हालत थी बंदे की? बहुत बुरी हालत थी, पत्थर से टकरा के मर गया था, उसकी डेथ पत्थर से टकरा के ना, और ऊपर से जंगली जानवरों ने उसका मुंह भी नोच लिया था। उधर जंगली जानवरों ने मुंह नोच लिया था, और सब हार्ट वोट सब ले गए थे, हार्ट लंग्स वगैरह सारे ले गए थे। बस बात ये थी कि बंदे की बॉडी डिकम्पोज हुई नहीं थी, क्योंकि जिस एरिया पे वो गिरा था ना, वहाँ पे बर्फ थी, उस वजह से वो डिकम्पोज नहीं हो पाया था। पता नहीं भाई कहाँ से है ना, बट चलो कंटेंट मिल रहा है भाई। लिटरली यार घर की याद आ गई मेरे को, इधर पता क्या मिल गया मेरे को खाने को, ये देख रहे हो आप, हम तो इनको बोलते हैं केथ, और इधर पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को मैं निकालता हूँ एक बताता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये फ्रूट होता है एक, क्लियर दिख रहा है, फ्रूट होता है एक, खट्टा मीठा होता है यार खाने में, लाइक इमली। कट्टी मिट्टी भाई, दूजी मजा आ गया। घर में होते थे ना तो इनको खाते थे भाई, और इनसे तो कांचे भी खेलते थे बचपन में। आज मिल गया मेरे को इधर इंद्रनाग में खाने को, बड़े टाइम बाद। तूने खाए कभी ये? बहुत टाइम बाद खाए मैंने। नहीं यार, खा तो खाए हैं मैंने, खाए नहीं है मैंने, खाए पर बहुत टाइम बाद। गिटार लाने की तो सोची थी ना हमने, बट यार गिटार लाया नहीं। अब मैं फील कर रहा हूँ कि गिटार लाया होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि इधर की जो सराउंडिंग है, मैंने सोचा था इधर मंदिर वगैरह है तो मंदिर में कहाँ गिटार बजाऊंगा, बट इतना पता नहीं था मेरे को कि इधर साथ में ये एरिया भी है। क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे ना, तो स्कूटी में हमने जस्ट मंदिर तक का एक्सप्लोर किया था, ये वाला एरिया एक्सप्लोर नहीं किया था। बट इधर तो देखो यार, इधर तो भाई मतलब जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़। आजा मेरे यार बजाएं गिटार। तो गाइस ये था हमारा एक छोटा सा व्लॉग, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो व्लॉग की एंडिंग करते हैं हम केत खाते हुए। क्या डॉक्टर साहब क्या बोलते हो? डॉक्टर साहब तो खा भी रहे हैं तब से, मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि बात कर लूँ पहले, उसके बाद खा लेता हूँ, क्योंकि दांत यार एकदम पूरे ब्लैक हो जाते हैं पकाने के बाद। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और हैप्पी दिवाली सबको।